नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मोहम्मद बॉम्बसाइन में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और आपको इंडोर प्लांट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये क्रोटन की एक वैरायटी है, अजीब सा नेम है इसका, कोडियम वेरिगेटम। लेकिन ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए, इसकी जो लीव्स है ये पिंक कलर की है, जिसमें जो नीचे की लीव्स है ग्रीन, इसमें पिंक कलर की शेड्स है, और जो ऊपर की आपको दिख रही है इसमें हल्का पिंक और येलो कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, मिक्स है। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये। ये एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को ऐसी जगह रखे जहाँ पे इनडायरेक्ट धूप आती हो। दोस्तों, इसको सुबह की जो मॉर्निंग सनलाइट है वो हम तो दे सकते हैं। दोस्तों, इसको तेज धूप में अगर हम रखेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो बर्न हो सकते हैं, और ज़्यादा लो लाइट में इसको रखेंगे तो भी इसके लीव्स खराब हो सकते हैं। बिकॉज ज़्यादा लो लाइट में इसको रखेंगे तो इसके जो लीव्स के जो कलर्स आपको दिख रहे हैं ये फेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम वाटरिंग कैसे करें? दोस्तों, वाटरिंग भी इसमें काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। क्रोटन में क्या है कि अगर ज़्यादा वाटरिंग हम करेंगे तो इसके जो लीव्स हैं ये गिरने लगेंगे, और इसमें वाटरिंग नहीं की, कम वाटरिंग की, तो ये जो लीव्स हैं ये ड्राई होकर गिरने लगेंगे। तो हमें इसका जो वाटर का बैलेंस है वो बना के रखना होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे फिर हम इसमें कैसे वाटरिंग करें? तो दोस्तों, जब गर्म मौसम हो, मीन्स हीट ज़्यादा हो, तो इसके सॉइल के अंदर मॉइस्चराइजिंग बना के रखें, और सर्दियों में वाटरिंग कम करें। दोस्तों, इसको ज़्यादा फीड ना करें, फर्टिलाइज ज़्यादा ना करें इसको, मंथ में एक बार इसको फीड करना है। और दोस्तों, जब इसकी रिपोर्टिंग करें तो केयरफुली करें। बहुत से दोस्त कहते हैं कि जब हम क्रोटन को रिपोर्ट करते हैं तो उसके लीव्स गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही टाइम पे अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए जो गर्मियों से पहले का जो मौसम है, मीन्स फरवरी, तो हम फरवरी के मंथ में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो ट्री का रूट बॉल है, कोशिश करें कि उसी से मिलता जुलता सॉइल आप यूज करें रिपोर्टिंग के टाइम पे। और अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसकी जो रूट बॉल है उसको ज़्यादा डैमेज ना करें, रूट्स प्रून ना करें। अगर कोई रूट्स रूट बॉल से बाहर आ रही है, हाँ, उसको आप किसी शार्प कटर से या सीजर से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, क्रोटन के लिए जो हम सॉइल यूज करेंगे वो पीट मॉस और कुछ कंपोस्ट मिला सकते हैं, या फिर जो बजरी है उसके अंदर हमको कोपीट मिला सकते हैं, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। मेरे पास पीट मॉस नहीं है, तो मैं जो सैंड है वो और कंपोस्ट मिला के इसका सॉइल तैयार करूँगा। दोस्तों, प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं इसकी? दोस्तों, हम इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कटिंग लेकर जो रूट हार्मोन है उसमें डुबोकर इसको सॉइल में लगाना होगा, या फिर हम बारिश के मौसम में इस पे एयर लेयरिंग कर सकते हैं, जिसको हिंदी में गुट्टी बांधना बोलते हैं। मोस्टली नर्सरी वाले गुट्टी बांध कर ही इसकी एयर लेयरिंग करते हैं, मीन्स जैसे इसके यहाँ पे गुट्टी बांध के यहाँ पे जड़ ले आएंगे और फिर यहाँ से काट के इस प्लांट को अलग कर देंगे। ये प्लांट छोटा है, जब बड़े प्लांट होते हैं उसमें काफ़ी जो ब्रांचें होती है तो उन पे वो गुट्टी बांधकर एक प्लांट से काफी प्लांट तैयार करते हैं, जिसे हम एयर लेयरिंग कहते हैं, और हिंदी में उसे गुट्टी बांधना भी कहते हैं। दोस्तों, क्रोटन की जो हाइट है वो 3 फुट से 5 फुट तक जा सकती है। अगर हम इसको छोटे पॉट में लगा रहे हैं तो हाइट इसकी ज्यादा नहीं जाएगी, उसके लिए हमें बड़ी पॉट यूज करनी होगी। अगर आपको इस पे फ्लावर्स चाहिए तो इसको अच्छे से ग्रो करें, और जब ये अच्छे से ग्रो होगा तभी इस पे फ्लावर्स आएंगे। बिकॉज जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन पे फ्लावरिंग बहुत कम आती है, क्रोटन पे भी जब हम इसको इंडोर ग्रो करते हैं तो फ्लावरिंग बहुत कम देखने को मिलती है, जिसमें देखिए आपको जो शेड है वो पिंक शेड भी है, येलो शेड भी है, लाइट ग्रीन भी है। ओके दोस्तों, अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो पॉलीथिन बैग है इसके पॉलीथिन बैग को निकालना होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे,
इसके लिए मैं पोर्ट चूज करता हूँ। तो दोस्तों मैं जो नर्सरी पोर्ट है वो यूज नहीं करूंगा, बिकॉज वो मैं मेरे बॉन्साई प्लांटों के लिए लेके आया हूँ, मैं वो उनके लिए करूंगा। तो मैं जो नॉर्मल ये पोर्ट जो है घर के लिए, मैं इसमें इसको पोर्ट करूंगा। तो उसके लिए पहले इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने होल के लिए निशान छोड़ रखे हैं, तो ये हम होल इनके पूरे कर देंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको रेडी करते हैं। दोस्तों मैं इसके बॉटम में ये जो कोको कोर है वो डाल दूंगा, ताकि जो मिट्टी है वो ना कटे इसकी, इससे क्या होगा मिट्टी कट के नीचे नहीं जाएगी। ओके दोस्तों, उसके बाद मैंने ये जो सोइल इसका रेडी किया हुआ है वो डालेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों ये इसका सोइल है, जिसके अंदर मैंने कोको पीट और कुछ कंपोस्ट बजरी के साथ मिला रखे हैं, तो ये हम इसके अंदर यूज करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम इसमें सोइल डालते हैं। ओके दोस्तों, इसमें मैंने लगभग हाफ इसको फिल कर लिया है, उसके बाद हम प्लांट को लगा के देखते हैं कि इसकी शेप कैसी लगती है। आई थिंक ये ठीक रहेगा, इतना काफी है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा इसके अंदर मैं सोयल और डालूंगा। ओके दोस्तों, ये सोयल हमने इसके अंदर डाल लिया है, अब इसको पीछे करते हैं। अब हम इसकी पॉलीथीन बैग को निकालेंगे, तो उसके लिए मैं ब्लेड से इसको यहां से काटना होगा हमें। दोस्तों इसकी रूट बॉल को हम ध्यान से निकालेंगे ताकि ये टूट ना जाए। दोस्तों मैं इसकी जो ऊपर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हाथ से हटा देता हूं। बाकी मैं इसकी रूट बॉल को नहीं तोड़ूंगा। ओके दोस्तों, इतना काफी है, हम इसकी रूट बॉल को ऐसे की ऐसे इसके अंदर हम पॉट में रख देंगे। और अब हम इसके चारों तरफ जो बाकी सोइल है वो डाल देंगे। दोस्तों सोइल ऐसा हो जो ड्रेन करता हो वाटर को। तो जो सोइल मैंने यूज किया है इसमें सैंड है, बजरी है, कोकोपीट है और कंपोस्ट है, तो ये अच्छे से वाटर ड्रेन भी करेगा। कोकोपीट हम यूज कर रहे हैं, उससे इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग बनी रहेगी। दोस्तों आज से हम इसको थोड़ा सा फिल कर देंगे। ओके दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, तो हमने इस क्रोटन को पोट कर दिया है, काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसको आप इंडोर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको आप बरामदे में या अगर रूम में रखते हैं तो खिड़की के साथ में रखिए, जहां पे धूप आती हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।